एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण पाठक की दुनिया। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने, यानी कि करवा चौथ पे मेरे हस्बैंड जी मेरे को गिफ्ट ला रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो साड़ी दिला देते हैं, हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। साड़ी लेनी थी मुझे और मुझे चाहिए भी थी, तो हम जा रहे हैं अभी साड़ी लेने। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस मार्केट से साड़ी लेती हूँ, मतलब कहाँ जाती हूँ। मेरे जो मायके में नियर बाय जो मार्केट है वहाँ से मैं साड़ी लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि मैं कौन सी शॉप से लेती हूँ, कहाँ से लेती हूँ। इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ जो मैंने आपको 5 साड़ी दिखाई थी ना, मैंने वहीं से ली थी, तो वही साड़ी लेने के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। आ गए हैं मार्केट। ये मार्केट दिल्ली में सागरपुर में है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही होगा कि सागरपुर मार्केट कहाँ है, गांधी मार्केट, सागरपुर में गांधी मार्केट। तो वहीं हम आए हैं अभी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मार्केट बहुत अच्छी है। सब लोग जानते हैं जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही है कि गांधी मार्केट है सागरपुर के अंदर। अच्छी मार्केट है, सब कुछ मिलता है, आप ट्रेडिशनल ले लो, वेस्टर्न ले लो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। साड़ी बहुत अच्छी अच्छी मतलब बहुत अच्छा मिल जाता है कुछ लोगों को। तो हम यहीं आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी शॉप से लेते हैं और मार्केट भी दिखाऊँगी आपको। ये है दुल्हन साड़ी सेंटर, बहुत बड़ी शॉप है इनकी, नीचे से पूरी ऊपर तक। तो यहाँ से ही मैं सारी साड़ियाँ लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ चलो कि अंदर मुझे क्या साड़ी क्या पसंद आती है, क्या कलर पसंद आते हैं, मुझे क्या डिज़ाइन लेना है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी तो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, शाम का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। देखो अब यहाँ सबसे पहले मैं गाउन देख रही हूँ। उस टाइम मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पीछे से काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था, तो आवाज़ नहीं आती। बट अभी मैं बोल रही हूँ कि ये इतने अच्छे अच्छे गाउन हैं यहाँ पर, ट्रेडिशनल गाउन भी मिलेंगे और वेस्टर्न गाउन भी मिलेंगे। तो ये अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा पार्टी वेयर में, तो एक गाउन देखा है मैंने इसमें से, वो अभी आपको नेक्स्ट अभी देखने पहन के दिखाऊंगी तब पता चलेगा। तो ये इतने सारे गाउन हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर, हर कलर में डिज़ाइन है, अलग अलग, अच्छा लग रहा है देखने में। तो जैसे कि साड़ी ज़्यादा वेयर कर लेते हैं और गाउन पहनने का मन करता है, तो यहाँ आके देख सकते हो आप। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन के आपको गाउन मिल जाएंगे, अलग अलग स्टाइलिश में, फैंसी गाउन हो, ट्रेडिशनल हो या फिर वेस्टर्न में हो। तो यहाँ देख रही हूँ मैं बहुत सुंदर सी ब्लैक कलर की साड़ी। मेरे पास ब्लैक कलर की साड़ी नहीं है और पहनने के लिए मेरे को मना भी करते थे, लेकिन मन इस साड़ी को मेरे को देख के ऐसा मन कर गया ना कि नहीं, अब तो मैं ये साड़ी लेके ही रहूँगी। मैंने ये साड़ी अभी मैं वेयर करके देख लूँ कि कैसी लग रही है, तो उसके बाद ही देखूँगी। वैसे तो देखने में साड़ी इतनी सुंदर लग रही है, ब्लैक है और नीचे से ब्राउन कलर की सीक्वेंस है, तो ये पूरे में सीक्वेंस का वर्क हो रखा है। देखती हूँ आपको, देखो अभी वेयर कर रहे हैं तो पता चलेगा कि कैसा लगता है। तो इतनी सुंदर साड़ी है, ये है जोजट में लाइक्रा, लाइक्रा जोजट जो होता है ना, वैसे फैब्रिक में है। तो अभी बहुत सुंदर सी साड़ी है और इसका फैब्रिक भी अच्छा है, तो वेयर करके देखती हूँ कैसा लगता है, आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। तो अच्छी है साड़ी, मैं वैसे ब्लैक नहीं पहनती हूँ, ना ही मैंने कभी पहनी है, मैं फर्स्ट टाइम ब्लैक ले रही हूँ, लेकिन इसको देख के मेरे को मन कर गया बस लेने का। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा है, इसका जो ब्लाउज है वो प्लेन ब्लैक है, लाइक्रा में है, वो भी लाइक्रा है, वो थोड़ा सा वेलवेट में है और उसमें लाइक्रा मिक्स है। सेकेंड मैंने ये रेडीमेड साड़ी देखी है जो स्टिच है पहले से, और ये लाइक्रा फैब्रिक में है। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है और बहुत ही कम्फर्टेबल है और अच्छी भी है, कलर भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है। ये देखो फैंसी फैंसी साड़ी, ये कैसी लग रही है, ये साड़ी भी खूब सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, ये भी डिजाइनर साड़ी है। ये है सागरपुर में दुल्हन साड़ी सेंटर, अच्छी अच्छी साड़ी मिलती है। मैंने अपनी शादी के टाइम पे भी जो साड़ियाँ थी यहीं से ली थी। यहाँ पर ये गाउन भी है, पीछे फैंसी गाउन है वेस्टर्न में। ये साड़ी कैसी लग रही है, साड़ी ये भी बहुत अच्छी है, ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, रेडीमेड साड़ी है, ये कोई प्लेटे बनाने का चक्कर नहीं है। एक साड़ी का ब्लाउज ये देख सकते हो, इसके साथ ये पिंक वाली साड़ी है
और इसके साथ ये ब्लाउज़ है, और एक साड़ी ये है इसके साथ ग्रीन वाली है, वो ग्रीन वाला दिखाना। ये नेवी कलर, नेवी ब्लू का ब्लाउज़ है, इसके साथ ये ग्रीन साड़ी है। थोड़ा वीडियो में थोड़ा अलग कलर लगेगा, बट ये ग्रीन है साड़ी और ब्लाउज़ है इसका नेवी ब्लू। तो ये भी अच्छी साड़ी है, मैंने वेयर करके देखी थी, अच्छी लग रही थी। और एक है ये पिंक साड़ी, पहले मैं ये पिंक साड़ी लेने वाली थी लेकिन ये कलर मेरे पास बहुत है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ उसको। इसके साथ ये ब्लाउज़ है, इसका जो नेक है ये सबसे अच्छा लग रहा है साइड से ओपन है। मैंने लिया है ये गाउन, मैंने वेयर भी कर रखा है, तो आप लोग बताना मुझे, सजेस्ट करो कि मैं ये गाउन लूँ कि नहीं लूँ। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबको अच्छा लग रहा है, तो इस टाइप का कुछ गाउन है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी आपको मैं बैक कैमरे से, आप इसको मेरी हाइट से बिल्कुल सही है ये, मतलब मेरी हाइट से काफ़ी लॉन्ग है, मुझे ये ऑल्ट्रेशन कराने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, बट बहुत अच्छा है, वेलवेट के फैब्रिक में है ये, बहुत सुंदर लग रहा है। स्टफ़ ज़्यादा अच्छा है, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पूरा सीक्वेंस से बना हुआ है, ये सीक्वेंस स्टोन वगैरह लगे हुए हैं इसमें, ये स्टोन्स हैं, सीक्वेंस हैं, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और कलर इसका है ग्रीन, आप मेहंदी कलर जैसा होता है ना वैसा कलर है, काफ़ी अच्छा कलर है, ब्राइट लगेगा एकदम से। तो आप लोग सजेस्ट करो कि मैं ये लूँ कि नहीं लूँ, वैसे तो मैं लेने ही वाली हूँ, अच्छा लग रहा है, पर सजेस्ट करके बताना कैसा लग रहा है। काफ़ी नीचे से अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है इसका, फिर बीच से प्लेन है, फिर इसके यहाँ से पूरा वर्क कर रखा है, पूरा डिज़ाइन मतलब पूरा स्टोन वर्क कर रखा है इसका, और नीचे भी स्टोन वर्क है। यहाँ ब्राइडल के लिए लहंगे भी खूब सुंदर सुंदर लहंगे हैं, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन में, और जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वही लहंगे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे लहंगे, आप आके यहाँ पर विजिट कर सकते हो। साड़ियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, मेरे को तो इसके प्रिंट भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये कुछ जयपुरी स्टाइल में हैं, और प्राइस भी इनके बहुत सही हैं, उतना ज़्यादा देख के लग रहा है कि हाँ हाई फाई प्राइस होंगे, उतना हाई फाई नहीं है, रीजनेबल प्राइस है, और डिज़ाइन इतने अच्छे हैं, फैब्रिक इतना अच्छा है कि छूते ही पता चल रहा है कि कितना चलेगा, ये बहुत अच्छा ड्यूरेबल हो भी होगा इसका फैब्रिक, काफ़ी सुंदर साड़ी है ये, देख सकते हो आप ऐसा डिज़ाइन इसका, जयपुरी स्टाइल में है, इसमें मटका बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे पूरा राजस्थानी लुक आ गया है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं यहाँ पर, आप आके चेक कर सकते हो, और भी वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको, और भी अच्छे से डिज़ाइन मिल जाएंगे साड़ी में, फैंसी ले सकते हो, डेली यूज़ में ले सकते हो, जैसा भी लो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, कौन सा फैब्रिक, काफ़ी कम्फर्टेबल होगा ये भी, देख सकते हो इतना सुंदर है। एक साड़ी ये भी है, इसमें चार कलर होंगे, ये है सिल्क में, सिल्क फैब्रिक है ये, और डिज़ाइन देखो इसका कितना प्यारा डिज़ाइन है, इसके बॉर्डर में भी इतना अच्छा डिज़ाइन होता है, ऊपर का सूट होता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, स्ट्राइप बना हुआ है इसमें गोल्डन कलर के, और ये इसका गोटा पट्टी वाला डिज़ाइन है, मतलब रजवाड़ों जैसे होते ना राजस्थान में, रजवाड़ में जो पहनते हैं रजवाड़े वैसे ही, इतना अच्छा डिज़ाइन है। और इसके कलर हैं, एक कलर ये है गाजरी कलर, ये होगा ना गाजरी, एक कलर ये है, काफ़ी सुंदर कलर है इसका, ये भी रेड कलर, तो ये है गाजरी कलर, और ये है घिया कलर, ग्रीन कलर जो होता है सी ग्रीन,
दो ढाई तीन बच्चे। कितने अच्छे कलर हैं इसमें, मेरे को तो कलर ही ज़्यादा अच्छे लग गए इसमें, और डिज़ाइन तो इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है, काफ़ी सुंदर कलर है, और ये चार कलर हैं इसमें, और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है, अच्छा है। तो आप भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ये वेस्टर्न गाउन भी है यहाँ पर, कैसे भी गाउन ले सकते हो, ट्रेडिशनल गाउन ले सकते हो आप, पार्टी वेयर और वेस्टर्न भी ले सकते हो। वेस्टर्न तो वैसे भी पार्टी वेयर भी यूज़ हो जाते हैं, बट बहुत सुंदर सुंदर गाउन है, एकदम ऐसे अट्रैक्ट करने वाले जो होते हैं एकदम से। कलर कोई भी कलर ले सकते हो आप, हर तरह के कलर मिल जाएंगे। तो अभी ये थोड़ा वीडियो में पूरा नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरा दिखाने की। तो इनकी बहुत बड़ी शॉप है। मैंने साड़ी ले ली है, मैंने 5 साड़ियाँ ली हैं, वो मैं आपको घर पे अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी ली है और किसके लिए कौन सी ली है, अपने लिए कौन सी ली है, मम्मी के लिए कौन सी ली है, चाची के लिए कौन सी ली है। तो ये सब साड़ियाँ मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। तो मेरा हो गया है साड़ी का शॉपिंग कम्प्लीट। अब मैं इसके साथ देखती हूँ कुछ और मुझे एक्सेसरीज़ में कुछ मिल जाए। तो अभी मैंने ले लिया है यहाँ से है, अभी हम अंदर वहाँ से साड़ी लेके अंदर की तरफ जा रहे हैं मार्केट के। अभी काफ़ी लेट हो जाएगा इसलिए मैं अभी कुछ और नहीं ले रही हूँ, बट संडे को मुझे साड़ी लेने के लिए आना है। उन्होंने साड़ी को जैसे भी जो फिनिशिंग करनी होती है वो फिनिशिंग करके देंगे, फिर मैं संडे को आऊँगी तो संडे को भी दिखाऊँगी कि मुझे क्या लेना होगा। तो ऐसा कुछ भी अगर लेना होगा तो मैं संडे को ही लूँगी। अभी मैं जस्ट अभी ब्लाउज़ दे रही हूँ स्टिच के लिए, तो जा रही हूँ अंदर। हाँ, अपना ब्लाउज स्टिच करवाने, यहीं बुटीक से मैं ब्लाउज़ सिलवाती हूँ, तो मैं यहाँ जा रही हूँ यहाँ शाना ब्लाउज स्टिच। इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है, तो ब्लाउज भी बहुत अच्छा सिलती हैं, या कोई भी डिज़ाइन का साड़ी हो, मतलब सूट हो, कुछ भी। हमने कर ली है शॉपिंग, यानी मैंने कर ली है शॉपिंग, नहीं मैंने साड़ी ली है तो मैंने की है शॉपिंग। लाइट नहीं चल रही है अभी, लाइट मुझे दिखना, हाँ मैं दिख रही हूँ। तो मैंने कर ली है शॉपिंग, मॉल भी घूम के आ गए हैं, पर मॉल का भी आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। पार्ट वन आज आपने देख लिया है, पार्ट टू आएगा कल, कि उसमें जो मॉल में हमने जो मस्ती की, नन्नू ने भी जो मस्ती की है नक्श ने, तो वो आपको पार्ट टू में यानी कि कल दिखाई देगा। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, और जो भी मैंने सामान लिया है, साड़ी ली है जो भी, और मतलब अलग से जो साड़ी ली है, अपने लिए भी जो साड़ी ली है, तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊँगी आगे वीडियोज़ में। तब तक के लिए आपको कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताना, कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।